बरेली शहर में पहली बार विशाल श्री खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन होने जा रहा है। इसमें अपनी मधुर आवाज़ से चंडीगढ़ के विश्व विख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल श्याम भजनों से लोगों को आनंदित करेंगे। इस भजन संध्या को लेकर श्री खाटू श्याम परिवार सेवा समिति की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी साझा की है। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि विश्व विख्यात भजन सम्राट कन्हैया मित्तल द्वारा बरेली में पहली बार खाटू श्याम बाबा के भजनों का गुणगान किया जाएगा, जिसका आयोजन 19 नवंबर को विषम मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में होगा। शाम 6 बजे से शुरू होने वाले भजन संध्या कार्यक्रम को लेकर श्री खाटू श्याम परिवार सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ युवाओं में भगवान की आस्था और भारतीय संस्कृति को अपने संस्कारों में लाने के लिए प्रेरित करना है। वहीं बाबा श्री खाटू श्याम के नाम की घर घर में अलख जगाना है। इसके साथ ही धार्मिक आयोजन से नई प्रतिभाओं को विशाल मंच देना और सम्मानित करना है। आपको बता दें कि श्री खाटू श्याम परिवार सेवा समिति हर साल निर्धन कन्याओं का मुफ्त में विवाह संपन्न कराता है। वहीं श्याम प्रेमियों के लिए बरेली से राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम के दर्शन कराना, इसके साथ ही गरीब और निराश्रित लोगों को भोजन, कंबल और वस्त्र जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। वहीं कैंप के माध्यम से गरीब और असहाय लोगों का उपचार भी कराया जाता है। दिनांक 19/11/2023 को 6:30 बजे से प्रभु इच्छा तक विषम मंडल इंटर कॉलेज में खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया है। ये भजन संध्या जो है वो श्री कन्हैया मित्तल भजन सम्राट विश्वविख्यात हैं, उनके द्वारा की जाएगी। और इसमें जो विशेष कृपा है वो हमारे महाराज जी हैं, खाटू श्याम मंदिर सीकर है उसके पुजारी हैं श्री मानवेन चौहान जी, उनकी विशेष कृपा बरसेगी। ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी जी बरेली में पहली बार इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी भी पहली बार बरेली आ रहे हैं। किस तारीख को कितने बजे तक चलेगा, कितने का किस्त और कितने बजे शुरू होगा कार्यक्रम? ये दिनांक 19/11/2023 को 6:30 बजे शुरू। सर कन्हैया मित्तल जी अपनी एंट्री क्या बजे करेंगे? कन्हैया मित्तल जी 9 बजे एंट्री करेंगे। वो कितना टाइम देंगे? 3 घंटा रहेंगे, 12:30-12 बजे तक रहेंगे। अच्छा, जैसा कि सबको विदित है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की विशेष कृपा है कन्हैया मित्तल जी पे, जी जी, तो कहीं पॉलिटिकल रूप तो नहीं देने? नहीं, कोई पॉलिटिकल रूप नहीं है, ना ही किसी नेता का इसमें कोई सहयोग है, ना ही कोई, जो आना चाहे आए। आमंत्रित हमने जो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी को हमने आमंत्रित किया, आइए आप भजन सुनिए आगे। अच्छा, सनातन धर्म का प्रचार के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है और खाटू श्याम की भजन संध्या है, उनके भजनों का गुणगान किया जाएगा। अच्छा, ऐसा जैसा कि विदित है कि कन्हैया मित्तल जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक गाना भजन दिया है, ये बात आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नहीं कहा, उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस यूपी भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। तो आपको लगता है कि कहीं दूसरी पार्टियां कुछ इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं या कुछ? नहीं नहीं, देखिए कोई किसी विशेष व्यक्ति विशेष पार्टी का कोई धार्मिक ये आयोजन नहीं, ये धार्मिक आयोजन है। इसमें केवल और केवल खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया है और उन्हीं के भजनों का गुणगान किया गया। कोई पॉलिटिकल रूप नहीं, किसी रूप नहीं। हमने समाजवादी पार्टी के लोगों को भी आमंत्रित किया है, हमने बसपा के लोगों को भी आमंत्रित किया है, हमने भाजपा के लोगों को भी आमंत्रित किया है। हमने केवल और केवल हमने अपने सनातन धर्म से जुड़े जो भी लोग हैं और जो व्यक्ति हमारे सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता है वो उसका खुले दिल से स्वागत है और वो आके अपना भजनों का गुणगान करेगा।